क्यों क्यों रो रहा है भाई, रात से ही रो रहा है तू। आ गई ना, मैं अब नहीं जाऊंगी, आ गई बस। दोनों अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो कल रात मैं आई भी लेट और फिर इतनी थकी हुई थी कि सुबह उठी भी लेट हूँ, लेकिन सबसे पहले उठ के नवाब को घुमाया और उसके बाद में मैं अपने पार्क में आ गई हूँ देखने कि किस किस चीज़ ने कितना कितना ग्रो किया है। लेकिन उससे पहले जो मुझे दिख रही है, जो इस पेड़ से बहुत गंदगी हुई है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब तक सारे फल नहीं झड़ेंगे तब तक तो ऐसे ही रहेगा। पर ठीक है, छाया भी तो हम ही लेते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी भी तो हम ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि छाया बहुत ही गहरी और हवा बहुत ही ठंडी है इस पेड़ की, तो एक महीने की गंदगी से ही। तो इस वाले पेड़ से कुछ ऐसा फल पक के गिरा है जो कि यहाँ तक और ये सब पार्क में यहाँ पे। बाकी मैं भी एक बार पता करती हूँ, गूगल करती हूँ कि अगर ये खाद बन सकता है तो अच्छा है, अदरवाइज मैं इसको साफ कर दूँगी। और यहाँ पे मेरे वाइट वाले गुड़हल पे वाइट कलर का गुड़हल लगा है आज फूल, और यहाँ पे ये कोई यहाँ पे ये फूल खिला था शायद कल, लेकिन ओ हाँ पुराना है तभी टूट गया। और यहाँ पर मधुमालती भी इसने कुछ ग्रो नहीं किया। बाकी यहाँ पे ये प्लांट्स हैं, ये मुझे लगाने हैं अभी। तो बैठ गए हैं यहाँ पे मज़े से, ये भी अपने काम में लग गए हैं। वैसे ताशु का काम तो कुछ खास होता नहीं है, नवाब की सेवा ही करना होता है, और सपना से मैं काम करवा रही हूँ थोड़ा ज़्यादा सफाई से, क्योंकि चार दिन से इसने बड़ी मौज मारी है। आज सुबह से ही मैं काम में बिजी हूँ, यहाँ पर गंदा ये गंदा वो गंदा, वैसे मतलब इतना गंदा तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि रोहन भी बहुत सफाई से, इवन जब मैं घर पे नहीं होती हूँ तब रोहन ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं घर को और मेंटेन करके रखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। और अभी सपना से ना बाहर झाड़ू लगवाई है पेड़ के नीचे, जो भी जितनी भी गंदगी थी। तो सपना मैडम पता क्या बोल रही है, बोल रही दीदी ये पेड़ कटवा दीजिए। अरे पागल हो गई है क्या, पेड़ कटवा दीजिए, एक महीने की गंदगी है, 11 महीने तो पूरा सूख ही सूखा है पेड़ का। कह रही दीदी ये पेड़ कटवा दीजिए, बहुत गंदा कर रहा है। मैंने इधर खा रहा है गोलू खाना, इधर खा रहा है हमारा गोलू खाना। पक्का दिखाओ, देख रही थी मैं नहीं देख सकती। यहाँ बात चल रही है आदि पुरुष मूवी की, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, अरे देखो मैं चला रहा हूँ, दुपट्टा ले आऊं, रामायण है ना, दुपट्टा रामायण नहीं है, ये रामायण नहीं है, ये तो कुछ हो रही है, मेरा मन नहीं है देखने का, पर जबरदस्ती दिखा रहे हो, हम दिखाएंगे आपको आदि पुरुष। यहाँ पे रोहन ने खाना बनाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला अभी तक खाना है क्या इसमें, देखती हूँ क्या है खाना। ओ, 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 राइस है, राइस है, राइस है। लेकिन खाना पर पहले हाँ पहले मैं ना खाना खा लेती हूँ। हाँ ताशु ने तो देखी नहीं, ताशु तो 5 मिनट देख के कह रहा है ये कार्टून से क्या लगा रखा है, मैं ये वाली कार्टून वाली मूवी नहीं देखता। तो ताशु तो चला गया अपने फोन में, पर उसका अकाउंट वापस आ गया, नाबू का ताशु का जो अकाउंट हैक हुआ था वो वापस आ गया है। और जो खुशी है लड़की की वो मैं दिखाऊंगी कि अलग ही है चेहरे पे। उन्होंने इतने अच्छे राइस बनाए हैं, इतने खिले खिले तो मेरे से भी नहीं बनते, ताशु ने कैसे फैला लिए। और बस एक बार ये निपट जाए फिर तो सोना है एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद दिला दी इसने। मम्मा को वापस भेज दें, तुम जाओ यहाँ से, सही थे ना, सही थे, 3-4 दिन हमने मजे लिए। कबूतर पानी आ गया है, कौन है कबूतर, ये जो लेट मेरे लड़के का नाम भी बिगाड़ना, कबूतर रसमलाई बोल सकते हो, गुलाब जामुन बोल सकते हो, मेरे को दे दो थोड़ी देर के लिए यार, मैं 3 दिन से मेरे बच्चे से दूर थी। ये क्या है, तुम चले जाओ, चले जाओ मम्मा, चली जाए परमानेंट, फिर पापा का मन नहीं लगेगा, तेरा ही मन नहीं लगेगा। तो भैया पानी पी के पीछे तो आने देते, तुमने तो वही कटोरी मुंह पे लगा दी, जाओ पी लो, सलमनोय पी लो, छमनोय पी लिया इसने, खत्म। ओए चटोरे कब तक जीप चलाया जाएगा। ताशु ना नाबू को ब्रश करवा रहा था काफ़ी देर से, कोशिश कर रहा था, तो नाबू आगे आगे ताशु पीछे पीछे,
तो जैसे ना वो बेड पे आके बैठा तो ताशु ने कहा कि चलो ठीक है आज का ब्रश हम बेड पे ही करेंगे। ताशु कह रहा बाजार भाग रहा था मैंने यही पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक किया, अभी तो ठीक है, अभी तो मजा आ रहा है। ये ठीक है चल रहा है। ब्रश के बाद में ये क्या हो रहा है? खेला। ये कौन सा गेम है भाई? क्या चल रहा है ये? कैसा लग रहा है वो मूवी? नहीं है अमिताभ बच्चन की कूली नंबर वन, तो वो गले में नहीं डाल के रखता परना का? परना डाल रखा है परना आपने? ये देखो हम लोग बाहर सफाई कर रहे हैं और गोलू पैम्परिंग दे रहा है। इन भैया को मैं जानती नहीं हूँ, शायद गोलू भी नहीं जानता। पहली बार मिला है गोलू? पहली बार मिला है? वाह, अब बिस्किट खाएगा। अरे वाह, ये देखो अभी खाएंगे पार्ले जी। क्या हुआ? ये सही है इनका, सबको ये पूंछ लागे सबसे पैम्परिंग करा लेते हैं। ये देखो ये आ गए पार्ले जी। अरे देखो देखो जंप देखो इनकी जंप। तो ये इधर चल रहा है हमारा सफाई अभियान। यहाँ पे तो मैंने और ताशु ने यहाँ पे इतना साफ कर दिया, लेकिन फिर भी गिरे ही जा रहे हैं। जब तक ये प्रॉपर रूट्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे ना इसके। यहाँ पे सारे में गंदा था, यहाँ पे सफाई कर दी, अब यहाँ पे कर रहे हैं। अरे कौन लोमड़ी आई? काम करवाने आई है? चला जा पौधे लगाते हैं। चलते हैं। क्या चेक कर रही लोमड़ी? हाँ बंद कर दो पानी। ये देख तुलसी सूंघा, खा लिया करो। ये अब जगह देखे बैठेगा। नहीं, अरे नहीं, कैसे निकालो? कौन सा पोटा है? इसमें गुलाब भी है, इसमें कांटे भी हैं। ठीक है, इससे पता चलता है मासी कितना प्यार करती हैं पौधों से। मेरे से नहीं, पौधों से। ये जितने भी पौधे हैं ना, मेरी ममता मासी लेके आई हैं, और वो अपने घर से पहले मेरे पास लेके आई गांव में, मैं गांव से यहाँ लेके आई। सोच रही हूँ कितनी स्ट्रगल है इन पौधों को आने में। और ये जो पौधा है ये है पहाड़ी पालक, और ये दिया है मेरी छोटी वाली मासी ने, सहिता मासी ने। लेकिन अब दिक्कत ये है कि पौधे निकालूं कैसे इसमें से। नाबू है पौधे लगवाने गुड्डा। मेरी मासी जो अपने पौधे इतने प्यार से मैंने इतने प्यार से। आजा नानी के पौधे देख ले। और क्या, नानी का तो बगीचा सुंदर है। चल आओ, अब इसको पोतते हैं। डिस्कशन बहुत ही भयंकर चल रहा है, चल रहा है। यहाँ नहीं त्यागी जी, जैसे जिस सीक्वेंस में ऑलरेडी लगे हुए इसी सीक्वेंस में लगाओ, सीक्वेंस खराब मत करो। नहीं बराबर में पौधा चलता नहीं है ना, गैप देना पड़ता है। अरे काफी गैप है इसके बीच में। अरे ये पौधा देखो ना, ये यहाँ तक है पौधा। कौन सा पौधा? ये वाला पौधा। ओके तो इधर लगा दो, इधर जगह है। इधर मधुमालती है, तो मधुमालती तो अभी बहुत दूर है। अब इसको मैंने डोरी भी लगानी है। यहाँ लगा दो। अरे रुक जा भाई, ले मिट्टी इतनी नमी में ऐसे नहीं होता है। नहीं होगा ऐसे, तू भी बहुत तेज है, ऐसे होते होंगे। ताशु ऐसे मत कर, जैसे मैंने लगाया था सीधा दाब इसे। बस अब लगा दो फटाफट। ओके दीदी ऊपर से वॉल खोलाओ, ताशु भैया को बुलाओ। मैं और नाबू की सेना आ गई है इवनिंग वॉक पे, वॉकी वॉकी करने। गोलू भोलू चिंटू मिंटू
और कालू, कालू का दिखाती हूँ, कालू क्या मस्त घूम रहा है। मुझे लग रहा है ये गोलू भोलू चिंटू मिंटू और कालू का ही पर्सनल पार्क है, बाकी और तो यहाँ पे देखो आपको जनता तो कोई दिखेगी नहीं। और यहाँ पे और भी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो मस्त यहाँ पे भागते हैं, मजे से सोते हैं, और सर्दियों में तो आई गेस बहुत ही मजे करते हैं। हेलो हेलो, एक तो हम लोग जा रहे हैं फंक्शन में, जो कि फंक्शन है नवाब का इनविटेशन है ये, लेकिन नवाब नहीं जा पा रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है आप सबको पता ही है। और दूसरा हम दोनों का ही मूड इतना ज्यादा खराब हो गया है, तो मूड क्यों खराब हुआ है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम बाद में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम इतना भी नहीं है कि मैं साथ में कॉम लेके चल रही हूँ। इधर वाले बाल तो हो गए कॉम, इधर वाले अभी करने हैं, गाड़ी में बैठ के कॉम कर रही हूँ, लिपस्टिक अभी जस्ट अभी लगाई है, तो हालत इतनी ही रहती है मेरी खराब। और रोहन ने भी अपने हेयर ना कॉम नहीं किए हैं, बस हम लोग ऐसे फटाफट ऐसे होते हैं। और मैं क्या? भी हैंडसम लग रहा हूं। हाँ वो तो तुम लग ही रहे हो, और हम लोग निकल तो गए हैं, बस पहुंच जाए फटाफट, क्योंकि हम लेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमारा मूड इतना खराब हुआ ना, इतना खराब हुआ रियली, मतलब इतना बुरा लग रहा है ना हमें कि हमारे साथ ही होता है हमेशा ऐसे। इतनी मुश्किल से गाड़ी लगाई है ना, चलो चलते हैं। तो ये रही मेरी प्लेट, और इधर रही हमारे जिम वाले की प्लेट, सैलेड वैलेड रायता और राइस, बाकी कुछ नहीं एक्स्ट्रा लाइफ का। और मेरे जो फेस पे सेटिंग देख रहे हो, इसे देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा गर्मी है। नवाब को इसी वजह से नहीं लेके आया क्योंकि ओपन में था जो फंक्शन था, वो ओपन में था और वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकता। और हम ऐसा रिस्क, और ये तो हम मतलब ये टॉर्चर सा नहीं करते हैं बच्चे के साथ में, क्योंकि सबको पता है नवाब हर शादी में जाता है, हर फंक्शन में जाता है, तो ऐसे कोई मतलब यहाँ पे दिखाने वाली बात तो थी नहीं, यहाँ बात थी कम्फर्ट की। फंक्शन अटेंड करके, और फंक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था अरेंजमेंट, लेकिन जो अरेंजमेंट था वो ओपन गार्डन में था, जिस वजह से हम नवाब को नहीं लेके आए। वही आधा घंटा हो गया मैं इसी सेम जगह पे, रात के कितने बज रहे रोहन, 10:40 मतलब 11:15 ये हाल है ट्रैफिक का, कहाँ जा रहे हैं सारे नोएडा वाले। तो ये रीजन था ट्रैफिक का, यहाँ पे ये वैगन आग लग गई है ट्रक में, चोट वोट तो नहीं आई होगी किसी को, लेकिन इसने हमारा आधा घंटा खराब किया है, आधा घंटा। ताशु सर को बुला रहे हैं, उससे पहले मैं दिखाऊं रोहन ने कांड क्या किया है। ये देखो अपनी थार से मेरा इतना अच्छा और इतना महंगा वाइपर तोड़ दिया, देखना महंगा हो गया, कैसी बात है। अब जब मैं मंगाऊंगी ना, ऑर्डर करूंगी, तब बताऊंगी कितना महंगा होगा। और नया था एकदम पिचका दिया, आज ही आया, पिन्नी भी नहीं आज ही आया, 3-4 महीने हो गए, नहीं आज ही आया, 3-4 महीने हो गए, नुकसान तो नुकसान है ना रोहन, क्या होगा। अरे वाइपर तोड़ दिया यार, तूने देखा ना भाई, महाबाद होगी वाइपर टूटा है ये। अच्छा वो आप नहीं गए, ओ कैसे बैठे कान देखो, इसके कानों देखो। अच्छा वो आप नहीं गए, टेल देखना इसके टेल। अच्छा वो बेटा आप नहीं गए, आप बहुत परेशान हो जाते हैं वहां पे, गम्मा था बहुत गम्मा था, तो कोई तो पत्ता पाला लग रहा है मेरा गधा, कितना पाला लग रहा है। व्लॉग देख के आपको समझ में आ ही गया होगा हमारा जो व्लॉग है वो लेट क्यों आया है, आधा घंटा ट्रैफिक, उससे पहले फंक्शन, और फिर उसके बाद में आके नवाब के साथ में मस्ती। तो अभी ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म, लेकिन अभी फीडिंग के लिए जाना है, ताशु को खाना खिलाना है, नवाब को भी खाना खिलाना है, अभी बहुत सारे काम बचे हैं, बट उससे पहले आज के लिए इस व्लॉग में शुभरात्रि। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बहुत सारा प्यार दिखाना मत भूलना। थैंक यू। गुद्दा देखो कितना सुंदर लग रहा है।